सो गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और फ्रोज़न ट्रीट्स बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है, तो आज की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ फ्रोज़न योगर्ट बार की। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। सो इस रेसिपी का पहला इंग्रेडिएंट है ग्रीक योगर्ट। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो ये टंगी हुई दही है जिसे मैंने कपड़े में बांधकर 1 से 2 घंटे के लिए टांग कर छोड़ दिया था, जिससे इसका सारा पानी निकल गया। और मैंने यहाँ फ्लेवर के लिए ग्रेप कॉम्पोट प्यूरी का यूज़ किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस कॉम्पोट तैयार कर लीजिए और उसे ब्लेंड कर लीजिए, आपका प्यूरी रेडी हो जाएगा। और मैंने यहाँ 2 से 3 टेबलस्पून चीनी यूज़ की है। आप चाहे तो हनी, मेपल सिरप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इस योगर्ट बार की रेसिपी में ज़रूरी नहीं कि आप ग्रेप्स को ही यूज़ करें, आप कोई भी फ्रूट, चॉकलेट, नट्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और अब इस प्यूरी में मैं 2 से 3 टेबलस्पून टंगी हुई दही को डाल दूंगी और कुछ दही को मैं वैसे ही रहने दूंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन, ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना करें। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। और इस मिक्सचर में आपको शुगर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे साइड रख दें और अब जो प्लेन दही वाला मिक्सचर है उसमें आप 1 से 2 चम्मच शुगर डाल सकते हैं या जितनी आपको पसंद हो, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। आप इस फ्रोज़न योगर्ट बार को किसी भी सीजनल फ्रूट्स के साथ बना सकते हैं, ये सभी के साथ बहुत ही अच्छा जाता है। और हमारा मिक्स रेडी है। इसे स्प्रेड करने के लिए एक ट्रे लें और उसे लाइन कर दें बेकिंग पेपर से, और इस पे दोनों ही योगर्ट मिक्सचर को स्प्रेड कर दें। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। इसे अच्छे से स्प्रेड कर दें। आप इसे किसी भी डिज़ाइन से स्प्रेड कर सकते हैं, आप मिक्स भी कर सकते हैं सभी को एक ही कलर में, बट मुझे यहाँ 2 कलर का चाहिए था तो मैंने इसे हाफ एंड हाफ में यूज़ किया है। इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसे टॉप कर दें कुछ ग्रेप्स से, या फिर आप कोई भी नट्स भी रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ सिर्फ ग्रेप्स यूज़ किया है। सो है ना ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इस रेसिपी में आपको बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसे फ्रीज कर लें ओवरनाइट के लिए, और हमारा ग्रेप फ्रोज़न योगर्ट बार रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फ्रीज हुआ है। और बस अब इसे किसी भी शेप एंड साइज़ में कट कर लें। सो आई होप कि आपको यह रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो इस गर्मियों में ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है एंड मिड डे स्नैक के लिए परफेक्ट है।